यहाँ पर मैं 249 शहर मध्य विधानसभा मतदार संघ में अपक्ष उम्मीदवार बोलकर फॉर्म भरा हूँ और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मर्जी है, हमारे लोग कार्यकर्ते मतदार भाई बोले। और हमारा मेन मकसद ये था कि महाविकास आघाड़ी से मुस्लिम समाज को उम्मीदवारी मिलना, अगर मुस्लिम समाज को उम्मीदवारी मिलती थी तो मैं अपक्ष नहीं भरता था, महाविकास आघाड़ी की तरफ से आ गया तो मैं अपक्ष फॉर्म नहीं भरता था। हमारे समाज के ऊपर अन्याय हुआ, महाविकास आघाड़ी के मुस्लिम समाज के नगर सेवक पदाधिकारी कार्यकर्ते इनके ऊपर अन्याय हुआ। कोई बोलो ना बोलो, जो मैं बोला था अगर मुस्लिम समाज को उम्मीदवारी नहीं मिली तो अपक्ष में फॉर्म भरूंगा इंशाल्लाह बोलकर जो बोला था वो बात पर मैं खरा उतरा हूँ। अभी अपक्ष फॉर्म भरा हूँ और आगे का सोचेंगे इंशाल्लाह। वो देख मतदार के हाथ में, कार्यकर्ते की टीम और मतदार भाई कार्यकर्ते बहुत होशियार है, साहब समझदार है, वो देखने वाले समझने वाले कि कौन उनके सुख दुख में आने वाला है, कौन उनके काम में आने वाला है, कौन विकास कर सकता है, कौन सर्वधर्म संभव का जो प्रतीक है हमारा सोलापुर शहर महाराष्ट्र राज्य, यहाँ पर जातिवाद शक्ति को हमें ख़त्म करना है, तो हमारे हर धर्म के समाज के लोग को लेकर चलना है, यहाँ पर अमन सुकून शांति एक ही इत्यादि इत्तेफाक वो रखना है इंशाल्लाह। हर कार्यकर्ता हो, नगर सेवक हो, पदाधिकारी, हर एक की सोच, हर एक का दिमाग, हर एक का राय मशुरा अलग रहता, लेकिन अल्लाह ताला का ऐसा न करम है, मैं जो बोला था अगर महाविकास आघाड़ी तरफ से मुस्लिम समाज की उम्मीदवारी नहीं मिली तो अपक्ष फॉर्म भरूंगा बोलकर इंशाल्लाह वो भरा हूँ। अभी आगे जो प्रोसीजर है, हमारे समाज के मतदार भाई कार्यकर्ते पदाधिकारी हमारे रिश्तेदार है, सभी लोग को राम मशोर लेकर इंशाल्लाह काम करेंगे। हम महाविकास आघाड़ी से बोलकर भाई, हम महाविकास आघाड़ी से उम्मीदवारी मांग रहे थे हमारे समाज के वास्ते, दूसरी पार्टियां दे चुकी है, लेकिन हमारी सोच ये थी महाविकास आघाड़ी से मुस्लिम समाज का उम्मीदवार रहेगा, हर समाज के धर्म के जो वोट है उन्हें मिलेंगे और हमारा एक प्रतिनिधि सोलापुर शहर के विकास के लिए, अमन सुकून के लिए, एक ही दल इत्तेफाक के लिए, हरियाणा के मसले मसले हल करने के लिए बम्बई की विधानसभा में जाएगा और हमारे मसले हल हो जाएंगे, ऐसी हमारी सोच थी, लेकिन वो सोच उनकी नहीं उतरी। सिर्फ जो है महाविकास आघाड़ी, वो पार्टी का मैं नाम नहीं लूंगा, सिर्फ मुस्लिम समाज को वोट बैंक बोलकर वापर करते, लोकसभा विधानसभा रहते, महापालिका जिला परिषद जो भी रहते, सिर्फ हमारा इस्तेमाल होता, हमें न्याय नहीं मिलता, हमें जो इंसाफ नहीं मिलता, बस इसके लिए हमने ये कदम उठाया है।